इस बार के प्रो कबड्डी ऑक्शन में सुपरस्टार्स की कमी नहीं होने वाली है। बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स इस बार के ऑक्शन में देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं उन बड़े 10 खिलाड़ियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमें ऑक्शन में दिखेंगे एंड इन पे बहुत ही पैसे बरसने वाले हैं। टॉप 10 बिग प्लेयर्स इन अपकमिंग प्रो कबड्डी सीजन 11। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑलराउंडर्स के साथ। तो हमें सिर्फ एक ही ऑलराउंडर देखने को मिल जाएगा एंड इन पे फिर से पैसों की बारिश होगी, वो है मोहम्मद रेजा सादलू। आप कह सकते हो कि अभी प्रो कबड्डी में एंड अभी कबड्डी में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स जो है मोहम्मद रेजा सादलू, लेफ्ट कॉर्नर पोजिशन के डिफेंडर, ईरान के डिफेंडर। एंड पिछले ऑक्शन में आपको पता है कि कितने महंगे बिके थे। पुनेरी पल्टन की टीम ने इनको 2.35 करोड़ में खरीदा था, ये उम्मीद से कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे एंड टीम को जिताएंगे एंड ट्रॉफी उठाएंगे। वैसा ही हुआ। 24 मैचेस में 99 टैकल पॉइंट्स एंड साथ ही में 27 रेड पॉइंट्स, जिससे जो इनका ऑलराउंडर का टैग है वो उसको जस्टिफाई किया है। एंड पुनेरी पल्टन के टीम ने ट्रॉफी भी उठाया 1 मार्च को। एंड देखा जाए तो मोहम्मद रेजा सादलू को रिटेन करना चाहेगी पुनेरी पल्टन की टीम, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस है एंड जो यंगस्टर्स इनके टीम में हैं उनको भी जाने नहीं देगी। तो सबसे पहले यंगस्टर्स को रिटेन करेगी एंड पैसा नहीं रहेगा तो ऑक्शन में हमें मोहम्मद रेजा सादलू देखने को मिल जाएंगे पीकेएल 11 के ऑक्शन में। अब बढ़ते हैं डिफेंडर्स की तरफ, कौन कौन से डिफेंडर्स हो गए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सुल्तान फजल अतराच अली के साथ। एक बार फिर से फजल अतराच अली हमें पीकेएल ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। सीजन 9 में भी ऐसा हुआ था, सीजन 10 के ऑक्शन में भी ऐसा हुआ था एंड सीजन 11 के ऑक्शन में भी फजल अतराच अली आ सकते। क्या परफॉर्मेंस डाउन था? बिल्कुल नहीं। 23 मैचेस में 62 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड ना ही सिर्फ आपको एक लेफ्ट कॉर्नर पोजीशन का बढ़िया डिफेंडर मिलेगा, आपको एक बढ़िया सा कप्तान भी मिल जाएगा जो टीम को अच्छे तरीके से गाइड करता रहेगा मैच के दौरान। एंड इनको ऑक्शन में गुजरात जायंट्स की टीम ने 1.60 करोड़ में खरीदा था। अब रिटेन करेगी तो और भी ज़्यादा पैसे देने होंगे एंड मुझे नहीं लगता है कि ये सही ऑप्शन होगा, तो फजल अतराच अली हाई प्राइस के कारण ऑक्शन में देखने को मिलेंगे। एक और डिफेंडर हमें ऑक्शन में देखने को मिलेगा, वो है परवेज भैंसवाल। परफॉर्मेंस पिछले सीजन इनका काफ़ी डिसअपॉइंट किया, 15 मैचेस खेले एंड उन 15 मैचेस में इन्होंने 8 टैकल पॉइंट स्कोर किया। तेलुगु टाइटंस की टीम से पिछले कुछ सीजन से खेलते आ रहे, इनको तेलुगु टाइटंस की टीम ने रिटेन किया था 68.20 लाख में। एंड देखा जाए तो अगर तेलुगु टाइटंस की टीम चाहेगी तो रिटेन कर सकती है, लेकिन तेलुगु टाइटंस के नए कोचिंग लाइनअप ये मुझे लगता है कि प्रिफेयर करेंगे कि इनको ऑक्शन में भेजे एंड अगर कम प्राइस में मिल जाते हैं तो इन पे एफवीएम कार्ड का इस्तेमाल होगा एंड अभी फिलहाल ज्यादा पैसा देना नहीं चाहेगी तेलुगु टाइटंस की टीम। नया स्क्वाड बिल्ड करेगी नए तरीके से एंड आपको बता दूं परवेज भैंसवाल काफी अच्छे लेफ्ट कवर पोजीशन के डिफेंडर है। पीकेएल 9 में तेलुगु टाइटंस की टीम से 21 मैचेस में 54 टैकल पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। ये दो ऑलराउंडर्स हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे पीकेएल 11 के। अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ। आज 10 जुलाई है एंड कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है प्रो कबड्डी सीजन 11 के ऑक्शन का एंड ऑक्शन बहुत ही ज्यादा करीब है, कुछ भी अपडेट्स लगातार आ सकते हैं। रिटेंशन के लिए ज्यादा वेट नहीं करना होगा, जो भी अपडेट्स आएंगे हेड कोचेस एंड वाईपी साइनिंग्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। हर एक अपडेट पे तो वीडियो बना नहीं सकते, तो फटाफट ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ओपन कीजिएगा, जो पहला लिंक दिख रहा होगा उस पर क्लिक कीजिए एंड फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा तरीका है ज्वाइन करने का, आप टेलीग्राम पे जाइए, सर्च बार में सर्च कीजिए @sportsniff7 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिससे आप फटाफट हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में वापस आते हैं तो रेडर्स की कैटेगरी में हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाएंगे मनिंदर सिंह, माइटी मनिंदर। पिछले बार पहली बार ऑक्शन में देखने को मिले एंड इन पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिडिंग हुआ। 2.12 करोड़ में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने एवीएम कार्ड का इस्तेमाल करके अपने टीम में वापस लिया था एंड परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा बंगाल वॉरियर्स के लिए दिया। एंड देखा जाए तो 21 मैचेस में 197 रेड पॉइंट्स, इतना भी बुरा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन हाई प्राइस के कारण बंगाल वॉरियर्स की टीम इनको रिलीज कर सकती है। वैसे नए हेड कोच अनाउंस हो चुके हैं, जो असिस्टेंट कोच थे पिछले सीजन प्रशांत सुरवे वो इस बार हेड कोच हो गए। अब देखते हैं क्या इनका स्ट्रेटेजी होगा। मोस्ट लाइकली पीकेएल 11 के ऑक्शन में हमें मनिंदर सिंह देखने को मिलेंगे।
इसी के साथ पांचवे प्लेयर की बात करते हैं तो पांचवे प्लेयर हो गए गुमान सिंह। यू मुंबा के नए स्टार गुमान सिंह इस बार के ऑक्शन में देखने को मिल सकते हैं। पिछले ऑक्शन में 85 लाख में यू मुंबा की टीम ने FBM कार्ड का इस्तेमाल करके अपने टीम में वापस लिया। वैसे परफॉर्मेंस सीजन 9 सीजन 10 में काफ़ी अच्छा इनका रहा है। सीजन 10 की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 18 मैच में 163 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया था। तो मुझे लगता है कि गुमान सिंह फिर से ऑक्शन में आएंगे एंड मोस्ट लाइकली अगेन वही देखने को मिलेगा। यू मुंबा की टीम इन पे FBM कार्ड का इस्तेमाल करेगी और क्या पता इन पे 85 से कम बिड हो एंड यू मुंबा का काफी ज्यादा पैसा बच सकता है। अगले प्लेयर की बात करते हैं तो सिक्स्थ प्लेयर हो गए विकास कंडोला। विकास कंडोला जैसे सीजन 7 सीजन 8 में थे वैसे इनका अब वैल्यू थोड़ा आप कह सकते हो कि डाउन हुआ है। जब से बेंगलुरु बुल्स में आए हैं परफॉर्मेंस इनका वैसा नहीं रहा है। 19 मैचेस में 68 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया एंड अभी के जो प्रो कबड्डी के फैंस हो गए वो अगर आंकड़े देखेंगे तो इनको मिस जज कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा नहीं है, लेकिन पहले जो देखा है उनको पता है कि विकास कंडोला किस तरीके के रेडर है जब वो हरियाणा स्टीलर्स में खेलते थे। वैसे तो बेंगलुरु बुल्स की टीम बार बार इन पे भरोसा दिखा रही है। पिछले ऑक्शन में 55.25 लाख में इनको FBM कार्ड का इस्तेमाल करके अपने टीम में वापस लिया था एंड मुझे लगता है कि इस बार भरोसा नहीं दिखाएगी, ऑक्शन में भेजेंगे एंड मे बी कोई टीम इनको खरीद ले हाई प्राइस में या फिर कम प्राइस में बिक सकते हैं। तो विकास कंडोला भी एक बड़े प्लेयर है जो इस बार के ऑक्शन का हिस्सा हो गए। अगले खिलाड़ी की बात करते हैं तो नंबर 7 पे एक अच्छे खिलाड़ी को रखना जरूरी है, वो है प्रदीप नरवाल। रिकॉर्ड ब्रेकर प्रदीप नरवाल एक सीजन के गैप के बाद फिर से ऑक्शन में आ सकते हैं। परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कभी हाई कभी डाउन, कभी हाई कभी इनको मौका ही नहीं मिला। पिछले सीजन प्रदीप नरवाल के फैंस काफ़ी ज़्यादा गुस्से थे इनके टीम सिलेक्शन के ऊपर, काफ़ी बड़े बड़े मैचेस में इनको खेलने का मौका नहीं दिया गया एंड जब खेलने का मौका मिलता था तो सब्स्टिट्यूट करके ऑफ कोर्ट कर देते थे। 17 मैचेस में 122 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस था। यूपी उदास की टीम ने पिछले सीजन इनको रिटेन किया था, अराउंड 1 करोड़ रुपये में रिटेन किया था एंड इस बार पैसे की बात नहीं है। मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल खुद चाहेंगे कि मैं ऑक्शन में जाऊँ एंड कोई नई टीम इनको खरीद ले। ओके सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रो कबड्डी का एंड कबड्डी का सीजन आने में तो अभी कुछ महीनों का समय बचा हुआ है, लेकिन क्रिकेट का सीजन अभी भी चल रहा है। क्रिकेट के अगर आपको फैंटेसी की टीम चाहिए, अगर आपको मैचेस के प्रेडिक्शन चाहिए तो आप क्रिकेट गली फैंटेसी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको फैंटेसी की टीम्स मिल जाएगी। अभी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का सीरीज चल रहा है, LPL 2024 चल रहा है, लंका प्रीमियर लीग एंड TNPL भी चल रहा है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग, सभी मैचेस के प्रेडिक्शन एंड साथ ही साथ आपको फैंटेसी टीम्स देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप टेलीग्राम पे जाके ये सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो मैचेस के प्रेडिक्शन एंड फैंटेसी टीम्स के लिए। बढ़ते आगे वीडियो में बात करते हैं आठवें खिलाड़ी की। तो दो खिलाड़ी की यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले हो गए नवीन कुमार, नवीन एक्सप्रेस भी आप कह सकते हो, पहली बार प्रो कबड्डी के ऑक्शन में देखने को मिल सकते। शुरुआत किया था अपना PKL का करियर एज अ NYP फिर RYP एंड अगर इस सीजन रिटेन हुए तो इलीट प्लेयर के तौर पर रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो नवीन कुमार एक काफ़ी अच्छे प्लेयर बन चुके हैं, टॉप लेवल के प्लेयर प्रदीप नरवाल पवन सहरावत के लेवल के बन चुके हैं, लेकिन पिछला सीजन इंजरी के कारण सिर्फ 6 ही मुकाबला खेले, 61 रेट पॉइंट स्कोर किया। लेकिन मुझे लगता है कि दबंग दिल्ली की टीम चाहेगी रिटेन करना। इनको रिटेन किया गया था पिछले सीजन 1.10 करोड़ में एंड पैसा यहाँ पे मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है कि बाकी प्लेयर्स का हाई प्राइस है। मैं बात कर रहा हूँ आशु मलिक की। आशु मलिक क्या ही परफॉर्मेंस दिखाए पिछले सीजन, नवीन कुमार के एब्सेंस में कप्तानी का जिम्मेदारी उठाया, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा दिया। 23 मैचेस में 276 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया। दबंग दिल्ली की टीम ने पिछले सीजन के ऑक्शन में इनको 96.25 लाख में खरीदा था FBM कार्ड का इस्तेमाल करके एंड इनको भी अगर रिटेन करेगी तो 1 करोड़ से ज़्यादा इनको देना होगा। अभी दबंग दिल्ली के नए हेड कोच है जोगिंदर नरवाल एंड देखना चाहेगी कि क्या दोनों ही खिलाड़ी को रिटेन करके लगभग आप कह सकते हो कि 2 करोड़ 20 लाख 2 करोड़ 30 लाख यहाँ पे खर्च होने वाले एंड क्या बाकी टीम बिल्ड हो पाएगी आधा पैसे में, ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये अच्छा ऑप्शन होगा कि एक खिलाड़ी को नवीन कुमार या फिर आशु मलिक को ऑक्शन में भेज दिया जाए। तो ये दो में से कोई एक खिलाड़ी रिटेन हो सकता है या फिर एक हार्ड डिसीजन भी ले सकती है, दोनों ही खिलाड़ी को रिटेन कर ले, देखते क्या होता है।
अब बात करते हैं सेकंड लास्ट प्लेयर के, तो सेकंड लास्ट प्लेयर है नरेंद्र कंडोला, नवीन कुमार जैसे ही। नरेंद्र कंडोला ने भी पीकेएल जर्नी एज अ एनवाईपी स्टार्ट किया था, इनका एनवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है खत्म, एंड अब अगर रिटेन हुए तो एज अ आरवाईपी रिटेन हो गए। एंड देखने वाली बात यह है कि क्या तमिल थलाइवास की टीम इनका आरवाईपी का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि नहीं करती है। दो फैक्टर है, पहला क्या प्राइस उतना मिलेगा, अगर प्राइस उतना नहीं मिलता है तो नरेंद्र कंडोला ऑक्शन में जाना ही प्रिफेयर करेंगे, बिकॉज ऑक्शन में डिमांड ज्यादा है रेडर्स की, एंड डेफिनेटली इन पे करोड़ों की बिट लगेगी अगर नरेंद्र जाते हैं ऑक्शन में। 21 मैचेस में 186 रेट पॉइंट्स इन्होंने पिछले सीजन स्कोर किया था, एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंस हर सीजन दोनों सीजन काफी अच्छा दिया है, तो नरेंद्र कंडोला भी ऑक्शन में देखने को मिल सकते मोस्ट लाइकली। आखिरी प्लेयर की बात करते हैं तो वीडियो का एंड करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी के साथ जो रिकॉर्ड तोड़ रहे मैट पे भी एंड ऑफ मैट भी ऑक्शन में तोड़ रहे, वो है पवन सहरावत। हाई प्लेयर पवन सहरावत, अभी फिलहाल ही में इनका बर्थडे था, एंड 21 मैचेस में 202 रेट पॉइंट्स इन्होंने स्कोर किया तेलुगु टाइटन्स के टीम में गए, एंड पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया टीम का डाउनफॉल, तेलुगु टाइटन्स की टीम बॉटम पे एंड किया। 2.605 करोड़ में इनको ऑक्शन में तेलुगु टाइटन्स की टीम ने खरीदा था, सेम ऐसा पीकेएल 9 में भी हुआ था, तमिल थलाइवास की टीम ने 2 करोड़ से ज़्यादा इन पे बिट किया, टीम ने खरीदा, लेकिन तेलुगु टाइटन्स ने इतना ज़्यादा पैसा दिया लेकिन बाकी प्लेयर्स ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। अब देखा जाए तो अगर पवन सहरावत कैटेगरी ए में ही रहते हैं तो इनको 15% और ज़्यादा देना होगा, तो तेलुगु टाइटन्स की टीम सामने से ही इनको रिलीज़ करेगी, एंड ये देखेगी कि अगर कम पैसे में अगर कोई टीम खरीद लेती है तो FBM कार्ड का इस्तेमाल करके टीम में वापस ले सकती है। तो पवन सहरावत हमें ऑक्शन में 99% या फिर आप कह सकते हो कि 101% देखने को मिलेंगे। सो गाइस, ये थे टॉप 10 प्लेयर्स या फिर आप टॉप 11 प्लेयर्स कह सकते हो कि जो हमें ऑक्शन में देखने को मिलेंगे अपकमिंग प्रो कबड्डी सीजन 11 में, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब खिलाड़ी कौन से टीम से खेलते हुए दिखेंगे, या फिर फॉर्मर टीम से खेलेंगे या फिर एक नई टीम मिलेगी, आपको क्या लगता है आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड मुझे पता है कि मैं और भी बड़े बड़े प्लेयर्स को मिस कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो का टाइटल यही है कि टॉप 10 प्लेयर्स, तो मैंने टॉप 10 प्लेयर्स को इंक्लूड कर लिया है। अपने हिसाब से आप भी अपनी लिस्ट कमेंट करके जरूर बता सकते हो, आपको क्या लगता है इनमें से कौन से खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे अगर ऑक्शन में होंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड अभी फिलहाल के लिए हमने रिटेन प्लेयर्स का सीरीज कवर किया है, आपने एक भी टीम का वीडियो नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड पे प्लेलिस्ट शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हो, एंड राइट साइड पे प्रो कबड्डी एंड कबड्डी के लेटेस्ट अपडेट्स पे मैंने वीडियो बनाया है, बहुत बड़े बड़े अपडेट्स यहाँ पे मैंने कवर किए हैं, बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर किए, तो आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो राइट साइड पे क्लिक करके। मिलते हो उसे वीडियोज में। Thanks for watching.